जी, सबसे पहले तो इस फ्लैट का टोटल एरिया कहाँ पे है, इसके नियर बाय स्कूल्स वगैरह क्या क्या हैं, और अपना हमारे मतलब ऑडियंस में बहुत लोगों का कॉल आता है कि यार ग्रीन फील्ड में तो पानी की कमी है, तो उस पर भी एक छोटा सा। फेसिंग फ्लैट है, नीचे 60 फीट का रोड है, सामने आपको पार्क दे रखा है और वो क्लब एरिया है। मतलब इन नियर फ्यूचर 1-2 साल 3 साल में यहाँ पे पार्क प्लस क्लब दोनों बनेंगे। और बात करी जाए फ्लैट की, तो ये रीसेलिंग का फ्लैट है, बहुत ही अच्छी जगह पे है, ए ब्लॉक ग्रीन फील्ड में, बाहर की अपने लोकेशन देगी, पार्क फेसिंग है, गेटेड सोसाइटी है, स्टिल पार्किंग है नीचे, बहुत अच्छी स्पेशियस स्टिल पार्किंग आपको मिलती है, साथ ही साथ हर रूम के साथ आपको वॉशरूम भी अटैच मिलता है। 5 BHK के साथ 4 वॉशरूम आपको मिल रहे हैं, और वॉशरूम भी अगर आप देखोगे तो वॉशरूम भी किंग साइज है, छोटे वॉशरूम नहीं है, बड़े वॉशरूम है कि इन फ्यूचर आपकी फैमिली अगर बड़ी है और आपको वॉशिंग मशीन वगैरह यूज करनी है तो आप अच्छे खासे वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस रूम के साइज से। अगर इस रूम का साइज बताऊं तो 17x14 का आपका ये रूम साइज है, और इस दीवार का आपको स्ट्रक्चर पहले से करके मिलेगा। फिर से बता देता हूँ, रीसेलिंग प्रॉपर्टी है तो इसमें कुछ काम आपको करवाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत जो छुटपुट काम है वो हम आपको करवा के देंगे। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया आप देख सकते हो, फिर से बहुत ही अच्छा है, स्पेशियस है, किचन जो सब महिलाओं का एक सपना होता है कि हमें बहुत ही अच्छी खुली डुली किचन चाहिए, वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर किचन की साइज की बात करूं तो किचन आपकी लगभग मैं बताऊं तो 10x8 के आसपास की है सिर्फ किचन है, और यहाँ पे क्या है कि आपको हर एक काम करा और मिल रहा है, वार्डरोब्स वगैरह पहले से ही बने हुए हैं, बाकी यहाँ पे हर एक चीज पहले से ही जिसका एक फ्लैट था उसने बना रखी है, और बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखी है। टाइल्स आपकी यहाँ पे लगी हुई है, आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइल्स मिल रही है, 5 फीट तक आपको टाइल्स मिल रही है, और चीज बहुत ज्यादा प्रीमियम है। बात करी जाए वेंटिलेशन की, तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन भी प्रोवाइड होता है जो आपको सीधा बाहर बालकनी में भी निकालेगा।
सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या है कि आपको अपना डाइनिंग टेबल सेटअप करने के लिए आराम से यहाँ पे एक जगह मिल रही है। यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल सेट कर सकते हो, आपका दरवाजा आपके सामने ही है, आपने एंटर किया, एंटर करते ही आपका डाइनिंग हॉल और किचन। इसी के साथ यहाँ पे आता है आपका ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये लमसम लमसम आपको पड़ेगा अराउंड अराउंड 25x30 के आसपास का, या उससे भी ज़्यादा है ये, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुला डुल्ला एक आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम मिलने वाला है। सेम अगर आप देखोगे सामने टेक्सचर आपको वॉल मिलेगी, ऊपर आपकी फॉल सीलिंग बनी हुई है। यहीं से मैं आपको लेके जाना चाहूँगा इसके दूसरे रूम में, जो कि आपको एंट्री पे ही मिल जाएगा। देखा जाए तो आपके जितने भी बेडरूम साइज है वो लगभग 14x17x18x17 के आसपास के ही हैं, और सेम चीज है इसकी भी ओपनिंग जो है वो बाहर आपको मिलेगी। ये दो रूम की बालकनी आपको यहाँ मिलेगी। बालकनी भी अगर आप देखोगे, बालकनी भी बहुत ज्यादा स्पेशियस है, आप अपने यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हो। सबसे प्रीमियम एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इसकी बालकनी जो है वो है, अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है एल शेप में। ये देखिए एल शेप की बालकनी, ये बहुत ही कम फ्लैट्स में आपको मिलेगी। और आगे और लेके जाता हूँ आपको, तो ये दिखाया था मैंने आपको किचन एरिया जो आपकी वेंटिलेशन का है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ तक आपको आपकी बालकनी एरिया मिलता है। तो बालकनी एरिया में कोई कंजूसी नहीं है, सब एकदम अच्छा और बहुत ही खुला डुल्ला आपको स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। ये खुला डुल्ला स्ट्रक्चर आसानी से ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो यहीं से मैं आपको लेके जाना चाहूँगा इसके तीसरे रूम पे। इसका तीसरा बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। बात करी जाए इस तीसरे बेडरूम की, इस बेडरूम का साइज थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा, क्योंकि एक तरीके से आप इसको गेस्ट रूम भी बोल सकते हो, ये गेस्ट रूम या चिल्ड्रन आप अपने बच्चों का रूम बना सकते हो। 10x12, 10x14 के आसपास का ये रूम है। सेम इस रूम के साथ आपको वॉशरूम भी अवेलेबल होगा। वॉशरूम हर बार की तरह मैं बोलूंगा किंग साइज, सेम हर दीवार पे आपको टेक्सचर यहाँ पर मिल रहा है। ये टेक्सचर अगर आप चेंज कराना चाहें तो आप चेंज करा सकते हैं। 5 बेडरूम 4 वॉशरूम विद एल शेप बालकनी एरिया, मेरे हिसाब से तो अभी तक पवन टॉक्स ने क्या किसी ने भी ये वीडियो नहीं बनाई है। यहाँ से आपको लेके जाता हूँ इसके चौथे बेडरूम। बात करी जाए अगर हर एक रूम की, तो आपने देख ही रहे होंगे कि हर बेडरूम के साथ आपको आपका बालकनी एरिया पूरा प्रॉपर मिल रहा है। बात करी जाए इस रूम की, तो इस रूम का भी स्पेस आपको 17x14 के आसपास ही है, 16x14 और सबसे बढ़िया चीज है इसको आप मास्टर रूम भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब्स आपको प्रीफिटेड मिल रहे हैं। प्रीफिटेड आपको यहाँ पे मेरा मिल रही है पहले से ही। सेम पीछे आपको टेक्सचर मिल जाएगा दीवार पर, और फिर से यहाँ का वॉशरूम किंग साइज वॉशरूम हर बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वॉशरूम का साइज एक ऑर्डिनरी फ्लैट के साइज से ज्यादा बड़ा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके इसका बालकनी एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट इसके दूसरे रूम से। अब इसी के साथ मैं इसके फाइनली फिफ्थ रूम में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यार,
ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल था। आपको यहाँ पर वॉशरूम या वहाँ पर रूम मिलने वाला है। ये मेरे हिसाब से कम तो 18x16 के आसपास का रूम है। सेम ऊपर आपको जो हम कहते हैं डिज़ाइन मिल जाएगा, इधर आपको आपका वही सेम किंग साइज वॉशरूम मिलने वाला है। बाकी अब यहां से मैं आपको लेके जाऊंगा इसके बालकनी एरिया। ये है इसकी बैक साइड बालकनी एरिया, दो रूम की बालकनी बैक साइड में आपको यहां मिलने वाली है। अब इसका प्रॉपर लेआउट मैं आपको तो यार जैसे कि मैंने आपको सारा ओवरव्यू यहाँ का दे ही दिया है, अब मैं आपको अपनी वीडियो में बुलाना चाहूँगा अपने मंगला भाई को आपके सामने। तो मंगला भाई आ जाओ फटाफट, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, कैसे हो पानी जी? सब बढ़िया मंगला जी, और सब बढ़िया। अब मंगला जी इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा। ये हमारे मंगला जी हैं, बिल्डर हैं, प्रोफेशन से बिल्डर हैं, ये बिल्डिंग्स बनाते हैं और यही बेचते हैं। तो मंगला जी सबसे पहले तो इस फ्लैट का टोटल एरिया कहाँ पे है, इसके नियर बाय स्कूल्स वगैरह क्या क्या हैं, और ना हमारे मतलब ऑडियंस में बहुत लोगों का कॉल आता है कि यार ग्रीन फील्ड में तो पानी की कमी है, तो उस पर भी एक छोटा सा ओवरव्यू बता दें। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा है कि ये आपकी बिल्डिंग ए ब्लॉक में है। ओके। और आपका क्लब फेसिंग है और फ्यूचर में वैसे तो यहाँ क्लब पास हुआ पड़ा है, पर यहाँ पार्क बने या क्लब बने वो पता चलेगा। और 60 फुटा रोड है ये, और आपकी 436 गज की बिल्डिंग है। 436 5 बेडरूम है आपका, 4 टॉयलेट है, डाइनिंग अलग है, वहाँ आप सोफ़ा सेट भी रख सकते हो, अपना कुछ भी बना सकते हो। और आपकी 4 फुट की आगे गैलरी है, बालकोनी हो गई, पीछे है 4-4.5 फुट की। और रही पानी की बात, तो वो पहले थी दिक्कत, अब नहीं है। आपके प्रॉपर टैंक है, 500 लीटर के 700 लीटर के टैंक है, हाँ प्रॉपर मोटर लगी पड़ी है। और ये फ्लैट आपका बीच का है, स्टील पार्किंग बना पड़ा है, लिफ्ट नहीं है इसमें, 3 फ्लोर है और ये बीच का फ्लैट है आपका, सेकंड फ्लोर। हाँ ठीक है। तो यार जैसे कि मंगला जी ने भी बता ही दिया है, 436 गज का आपको यहाँ पे फ्लैट मिलने वाला है। पार्क फेसिंग क्लब फेसिंग मैंने आपको दिखाई दिया, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पार्क और क्लब के लिए ऑथराइज्ड है पहले से ही, और इन नियर फ्यूचर ये आपको बनके मिल जाएगा। बात करी जाए स्टिल पार्किंग की, तो इस फ्लोर की अलॉटेड स्टिल पार्किंग आपको मिलेगी, ऑन पेपर लिखा होगा। बाकी हर एक चीज़ आपको बताई दी है। और बाकी जहाँ तक बात रही पानी की, तो यार हर जगह दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो पहले ग्रीन फील्ड होता था और जो अब ग्रीन फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। पहले लोग डरते थे लेने से, लेकिन सबसे ज़्यादा बुकिंग आज की डेट में ग्रीन फील्ड में ही उठ रही है। तो एट दी एंड हर बार बोलता हूँ, चैनल को ना लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बाकी एक चीज़ और रहेगी, वो भी मैं पूछता हूँ मंगला जी, इस फ्लैट का प्राइस क्या होने वाला है? प्राइस क्या, पहली बात तो इस बिल्डिंग को 6 साल हो गए। ओके। ये रीसेल का फ्लैट है और जो बिल्डर की डिमांड है 1-12 के आसपास है। ओके। आपका प्रॉपर लोन होगा, रजिस्ट्री है, सब कुछ मेंशन है, प्रॉपर नक्शा है। ओके। 1-12 के आसपास डिमांड करते हैं, बाकी ऑन टेबल पता नहीं, चीज़ कम ही मिलेगी। और सेम एज इज फ्लैट मिलेगा, इसमें आपको काम नहीं मिलेगा, जो है वो है। अगर आप काम करवा के चाहते हो कि काम करवा के दें तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है। तो जैसे कि आपने सुन लिया होगा कि जो इस प्रॉपर्टी की, इस फ्लैट की डिमांड है वो है 1,12,00,000। जैसा फ्लैट है आपको एज इट इज़ ही मिलेगा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे काम करा सकते हो। अगर आपने काम करवाना है हमारे थ्रू, आप बोलो कि भैया आप ये काम हमें करवा के दो, तो उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। 1,12,00,000 ऑन ये अभी डिमांड है, ऑन टेबल आप आइए बैठिए, अपनी डील क्रैक करिए और इस फ्लैट को अपना बना लीजिए। बाकी
आपको अगर कुछ भी चाहिए, कहीं भी फ्लैट सही है, नीचे पवन टॉक्स आपको है, दबाइए, वीडियोस देखिए और डिस्क्रिप्शन में नंबर है कॉल के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।